मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन चिल्ड्रन टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास वन चैप्टर फाइव एडिशन अप टू ट्वेंटी। इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी एक्सरसाइज को आज मैं बताऊंगा और उसी बेस पे आप सभी को बनाने का कोशिश करेंगे और फिर SW भी दिया जाएगा आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर फाइव का एक्सरसाइज वन से। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट। एडिशन अप टू 20 चैप्टर फाइव। इसका स्टार्ट करते हैं, यहाँ है एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज वन देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एक्सरसाइज वन काउंट एंड ऐड, बस इसे काउंट करना है और ऐड कर देना है। तो काउंट करेंगे इसको, देखेंगे ये कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, ये कितना है 1 2 3 4 5 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ ये एक बंडल जो बना हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं, ये 10 है। पहले ही बता चुके हैं इसको कि ये बना हुआ है, ये 10 है और ये अलग से 5 है, कितना हो जाएगा 15। इस तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 1 5। ये हो गया, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या है, इसी तरह यहाँ भी ये नहीं है 10 होगा, ये 7 होगा। तो यहाँ 10 एक बंडल यहाँ बना हुआ 10 और अलग से 7 है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 7 तो 17। इस तरह यहाँ देखेंगे 10, ये यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे 10 है ये और यहाँ 3 है। इस तरह यहाँ भी एक बंडल 10 हुआ और फिर अलग से 3 है, क्या हो जाएगा। यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ क्या होगा 3 है, 3 दे देंगे, यहाँ छोड़ दिया गया 3 हो गया, ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 1 3 13 हो गया। इस तरह से इसको बनाएंगे, 10 है इसी तरह, यहाँ 4 है, क्या हुआ ये 10 एक बंडल हुआ और ये 4 अलग से, 10 प्लस 4 1 4 14, 10 प्लस 1 10, ये 10 हुआ और 1, तो ये एक बंडल 10 हुआ और 1, 11। फिर यहाँ देख रहे हैं 10 प्लस 1 11, फिर यहाँ देख रहे हैं कितना है आई जो काउंट करेंगे, देखिए इसको काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हुआ और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना है ये, देखिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ। यहाँ भी इसी तरह होगा, यहाँ पर देखेंगे तो यही होगा, ये 10 है और ये 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 9, तो यहाँ 9 नहीं लिखा हुआ, 10 भी नहीं लिखा हुआ, 10 प्लस 9
तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10 और 9 19। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो लिख देंगे काउंट करके। और उसी तरह यहाँ इसका रिजल्ट भी है, देखेंगे एक बंडल है, ये 10 होगा, अलग से 9 है, 19 हो गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गया, फिर से बना लेंगे और फिर आगे देखते हैं हम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 देखते हैं, एड बाय मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 10, 10 का ग्रुप बना करके ऐड करने के लिए कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा है, इसको अलग से छोड़ दिया, यहाँ पे डॉट करके दिया, यहाँ पे डॉट करके एक एक्स्ट्रा को अलग निकाल दिया है। ठीक है, अब 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 के बाद ऐसे भी कर सकते हैं, 8 के बाद 3 लेंगे तो 9 10 11 11 होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिगर बना हुआ तो फिगर को काउंट करके लिख देंगे 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ, कितना हुआ 11। ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है और ये 8 है, 4 और 8 कितना हो गया, 4 और 8 8, दोनों को काउंट करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, इसको भी यदि ग्रुप बना देंगे तो 2 बाहर निकाल देंगे, इसको ग्रुप बना सकते हैं, एड बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 10 कर रहा है, 10 का ग्रुप बना करके करना है, तो इसमें कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 2 ले लेंगे इसे करके। ठीक है, यहाँ से 2 ले करके इसको 2 बाहर छोड़ देंगे, इस तरह से ग्रुप बना देंगे इसको। इस तरह से बना देंगे कि 2 को बाहर निकाल दिए, जो 10 लेंगे तो 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, 10 के बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ हम क्या किए थे, 11 था तो 1 को छोड़ दिए, 10 ले दिए थे और 1 छोड़ दिए थे, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है एड बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ 10, 10 का ग्रुप बनाना। ठीक है, इस तरह सी देखेंगे 9 प्लस 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, 5 है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो पहले ये देखेंगे 9 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 14 होगा, 9 ये हुआ 10 11 12 13 14, कितना हो जाएगा 14, ये 14 हो गया। और इसको दिखाना भी है एड बाय मेकिंग ग्रुप में, तो ग्रुप में दिखाना है तो क्या होगा, क्या करेंगे 10 से कितना एक्स्ट्रा है 4, तो 4 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से एक ही लेंगे, यहाँ से इस तरह से ग्रुप बना सकते हैं, इसको यहीं से समाप्त कर देंगे। इस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से हम कर सकते हैं, और फिर क्या किया आउट कर दिए इस तरह से। आप फिर यहाँ देखते हैं 6 है, यहाँ 6 बना हुआ, 6 है ये, फिर 6 है, फिर 6 है, तो 6 हो कितना जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 1 2 12, और ये 10 से कितना एक्स्ट्रा है 2, तो 10 ही रखेंगे, 2 को एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 क्या करेंगे बाहर कर देंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं, यदि कहीं से भी निकाल सकते हैं तो यहाँ से 2 को हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ से भी ले लेंगे, ऐसे 2 को बाहर निकाल देंगे, हो गया 2 बाहर निकल गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 2 बाहर निकल गया, सही चलिए। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो काउंट करके तो यहाँ लिखेंगे ही, लेकिन देखें 2 को बाहर निकाल दिया, फिर वही है ग्रुप ऑफ 10 कर रहा है, इसमें क्या किया है ग्रुप ऑफ 10 का, 2 को बाहर निकाल दिया ना, 1 2
12 हुआ, इसी तरह आगे भी बनाएंगे। 5 5 10 हुआ, तो 5 5 10 हुआ, इसमें तो 10 से अधिक नहीं है, 10 से अधिक का तभी तो बाहर निकालेंगे, इसमें 10 से अधिक नहीं है, तो इसमें कोई बाहर नहीं रहेगा, बस 10 से अधिक रहेगा तभी तो बाहर निकालेंगे, 10 से अधिक नहीं है, बस हो गया, इतना ही हो जाएगा। 9 4 13 देखते हैं, 3 को बाहर निकाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, 3 को यहाँ छोड़ देंगे, 3 बाहर निकाल देंगे, तो कैसे बनेगा, इस तरह से बना दें। थ्री है, ठीक है, अब ये 8 और 6 10 से कितना एक्स्ट्रा है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ से ले लेते हैं, यहीं से कटिंग कर देते हैं, टेन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 को बाहर निकाल दिए, ठीक है, इस तरह से यहाँ देख रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ, एड बाय मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 10, ठीक है, एक्सरसाइज 3 इस तरह से बना रहे हैं, देख रहे हैं, देख सकते हैं, और इस तरह से ये 3 कंप्लीट भी हो गया, 3 में इतना ही प्रॉब्लम था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4, 4 में क्या लिखा हुआ है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन ये रहा, इंस्ट्रक्शन रहा यह, मेक डॉट्स टू ऐड एज शोन, ठीक है, डॉट बनाना है जैसा इसमें दिखाया गया है, दिख रहा है, 6 5 कितना हुआ 11, तो वही हुआ कि 10 को लिया, एक्स्ट्रा कितना, 1, जैसे 1 2 3 4 5 6 6, उसके बाद 7 8 9 10 1 एक्स्ट्रा है, इसको निकाल दिए बाहर, इसी तरह से इसमें बनाना है, 9 और 6 है, क्या करेंगे, जैसे 6 था तो 6 बना हुआ, 1 2 3 4 5 6 5 है तो 1 2 3 4 5, तो पहले इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, 9 है तो क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से हम कलर कर देंगे, और नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 6 अलग अलग कलर कर सकते हैं, इसको कलर करके 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो 15 5 को इसमें अलग करना पड़ेगा, 2 1 2 3 4 5 अलग कर देंगे, यानी कि यहाँ से ले लेते हैं, यदि ऐसे ले लेंगे, इस तरह से 1 2 3 4 5 5 अलग हो गया, 5 को अलग करते हैं, इस तरह से बनाना है, ये बी हुआ, फिर आगे देखते हैं, सी है 8 और 8 है, 8 8 क्या हो जाएगा 16, ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, अब इसको दिखाना है, 8 है तो क्या करेंगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ भी 8, नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, तो 10 को रखेंगे, बाकी को निकालेंगे, तो 10 को रखेंगे तो 6 बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से हमको 10 होना चाहिए, यदि यहाँ से हम निकाल देते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ से 10 हो जाएगा, जैसा 10 का ग्रुपिंग पहले किया हुआ था उसी तरह से इसको करके बनाएंगे, इसको बाहर रखेंगे, इस तरह से हो जाएगा, सब दिख रहा है यहाँ पे, 10 लिए और 6 को बाहर रखें,
फिर सी के बाद डी देखते हैं, सेवन और नाइन, सेवन एन कितना, पहले सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसे अलग अलग कलर ले सकते हैं, इसको एक कलर से और इसको नीचे वाले को अलग कलर से, नीचे में नाइन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस तरह से। तो कितना को अलग करना है, नाइन या सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। तो टेन में से सिक्स एक्स्ट्रा होगा, सिक्स क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से ले लेते हैं, देखेंगे तो ये टेन होगा, इसको देखेंगे तो टेन होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है, सिक्स एक्स्ट्रा हो गया, इस तरह से इसको बनाएंगे। फिर आगे है ई, ई को क्या करेंगे, टेन प्लस एट फाइव, टेन प्लस फाइव क्या हो जाएगा, ये फाइव, ये वन, फिफ्टीन, इसको यहाँ दिखाना भी है, तो टेन है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और ये फाइव है, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से यदि लेंगे तो कितना को अलग करना है, फाइव को अलग करना है, टेन से फाइव एक्स्ट्रा है ना, तो वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ से अलग कर देते हैं, तो यहाँ से यदि ले लेते हैं, कैसे भी ले लेंगे, टेन अंदर होना चाहिए और फाइव बाहर होना चाहिए, देख रहे हैं, यहाँ तक ही रहेगा, यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, इसके आगे नहीं आना, यहाँ तक रहेगा, इसे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एक्स्ट्रा है, उसको बाहर रखना, फिर उसी तरह एट में, एट है तो क्या करेंगे, पहले एट है तो एट गोला बनाएंगे सर्कल की तरह, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और फाइव है तो वन टू थ्री फोर फाइव, एट फाइव थर्टीन, तो थ्री एक्स्ट्रा हुआ, तो यहाँ से कटिंग कर देंगे इसको, वन टू थ्री हटा दिए, इसको ले लेंगे यहाँ, देख रहे हैं अब एक्सरसाइज फाइव फोर कंप्लीट हो गया, यहाँ काउंटिंग फॉरवर्ड है, सिर्फ काउंट करके है, और क्या करना है, लिख देना है एट फाइव, काउंट करेंगे तो क्या होगा, आगे का गिनती गिनेंगे, एट के बाद ऐसे भी समझ सकते हैं, एट के बाद फाइव है, तो इस तरह से फाइव लिए, इस तरह से यदि फाइव लेते हैं, फाइव लिए, एट के बाद पढ़ेंगे नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, ठीक है, क्या लिखेंगे, थर्टीन आगे का लिखना, आई का पढ़ देना फाइव, थर्टीन हो जाएगा, इसी तरह आगे भी देख सकते हैं, ट्वेल्व फोर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, थ्री और थर्टीन कितना हो जाएगा, सिक्सटीन, सेवन एट कितना हो जाएगा, फिफ्टीन, एलेवन सिक्स कितना हो जाएगा, सेवनटीन, नाइन और एट इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज फाइव कम्प्लीट हो गया, अब आगे देखते हैं फाइव के बाद सिक्स, एक्सरसाइज सिक्स, यहाँ देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ, इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है ऐड, सिंपल है, सिर्फ ऐड ही तो करना है, ऐड, ठीक है, ऐड करना है तो क्या करेंगे, टेंस है वंस है, तो पहले क्या करना है, वंस को करते हैं ना, सेवन में वन ऐड करेंगे तो एट, वन का वन हो गया, फोर और थ्री सेवन,
पहले वंस करते हैं इसको, टेंस करते हैं, तो पहले वंस को काउंट करेंगे। जीरो में वन ऐड करेंगे क्या होगा, वन ही होगा, ये वन होगा। पहले वंस किए फिर टेंस किए, फिर यहाँ पे वंस करेंगे, टू में थ्री ऐड करेंगे तो फाइव, फिर टेंस करेंगे तो यहाँ वन ही है, तो वन लिख देंगे। ठीक है, बात ये देखते हैं कि जीरो में सिक्स ऐड करेंगे तो सिक्स, यहाँ वन है तो वन। इसके बाद थ्री में फाइव ऐड करेंगे तो एट, या वन है तो वन लिख जाएगा। वन में ऐड करेंगे तो नाइन, या वन है तो वन ही लिख जाएगा। ये थ्री वन है तो वन लिख जाएगा। इस तरह से सिक्स हो गया। और सेवन में देखते हैं तो साइज सेवन ये लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, थ्री टू और वन सबको ऐड करना है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, थ्री और टू को पहले ऐड कर लेंगे, थ्री और टू को पहले ऐड करेंगे तो क्या होगा, फाइव होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाइव, फाइव में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिक्स। यहाँ भी वही होगा, थ्री टू फाइव, फाइव है वन सिक्स, इसी तरह देखना है। फोर वन और टू सभी को ऐड करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, फोर में वन करेंगे तो फाइव, फाइव में टू करेंगे तो सेवन। और ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर और वन को करेंगे तो क्या होगा, फाइव, और फाइव में टू ऐड कर देंगे तो सेवन। दोनों तो सेवन ही हुआ, लेकिन ये प्रोसेस अलग अलग है कि फाइव में टू ऐड करें तो सबको बारी बारी से करें तो दोनों एक ही। थ्री में जीरो ऐड करेंगे तो थ्री ही होगा, फिर टू ऐड करेंगे तो फाइव होगा। इसी तरह यहाँ भी थ्री में जीरो किए तो क्या होगा, थ्री ही होगा, थ्री में टू ऐड करेंगे तो फाइव। फिर यहाँ देखते हैं उसी तरह होगा, है ना, फाइव टू सेवन और वन एट, एट लिख देंगे। सिंपल ऐड करना है, एट टू टेन वन, टेन सॉरी सेवन, एट में सेवन करेंगे तो सेवनटीन। इस तरह यहाँ सिक्स और नाइन फिफ्टीन, डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिफ्टीन ही रहेगा। तो इस तरह से ये देख रहे हैं एक्सरसाइज सेवन। एक्सरसाइज सेवन क्या होगा, वीडियो एक्सरसाइज सेवन। और इसके बाद नहीं है, ये एक्सरसाइज सेवन लास्ट ही है। इसके बाद आप मेंटल मैथ का प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ देख रहे हैं मेंटल मैथ है, इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसमें यही सब दिया हुआ है, यहाँ आगे देख सकते हैं, यहाँ मेंटल मैथ, ठीक है, मेंटल मैथ और मेंटल मैथ का अपना प्रैक्टिस करेंगे आप, सभी को समझ में आ जाएगा। अब आएंगे वर्कशीट पे, यही आपका एस डब्ल्यू है, ये आपको बना के भी लाना है। इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बन जाएगा आसानी से। जो पीछे में प्रीवियस में जो भी बताए हैं उसे देखेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। और ये आज का एस डब्ल्यू है, इसे बनाना है, ऐड है यह। इसके बाद 85 है, 85 के बाद 86 में देखेंगे आगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर टू है, ऐड बाय मेकिंग ग्रुप ऑफ टेन, उसी तरह बनाना है, टेन का ग्रुप बना करके बनाना है, ठीक है। ऐड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड, काउंटिंग करना है, फिर देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं ये तो पढ़ के इसमें बनाएंगे, इसमें फिल करना है। इस तरह से आप उसको कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक 86 है, पेज नंबर 86, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका एस डब्ल्यू है, ठीक है। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ चैप्टर फाइव आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर फाइव देख रहे हैं, एडिशन अप टू 20।
इससे प्रैक्टिस करेंगे, बना लेंगे और SW नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, SW का उसे मिला लेंगे। और अभी जो भी बताए हैं उसका फिर से खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी आशा के साथ कि आप सभी को रिवीजन करेंगे, फिर स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।